इस वीडियो को प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम यूनियन योजना के कैपेसिटी बिल्डिंग कंपोनेंट के तहत तैयार किया गया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग यानी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का मतलब खाने की वस्तुओं की प्रोसेसिंग कर उसे नए रूप में पेश करने के कारोबार से है। इस कड़ी में आज निफ्टम आपको बताएगा मेंथॉल क्रिस्टल मेकिंग व्यवसाय के बारे में। मेंथॉल क्रिस्टल को पुदीने के तेल अर्थात मिंट ऑयल से निर्मित किया जाता है। मेंथॉल क्रिस्टल एक प्राकृतिक उत्पाद है। यह ठंडा और ताज़ा होने के साथ पुदीने की खुशबू से युक्त होता है। मेंथॉल पुदीने से तेल निकालने से प्राप्त एक यौगिक है जिसे पहले पेपरमिंट कैम्फर भी कहा जाता है। मेंथॉल क्रिस्टल को किसी भी उत्पाद में उपयोग में लाया जा सकता है क्योंकि ये विभिन्न उत्पादों में अच्छी तरह से काम करते हैं। मेंथॉल क्रिस्टल का उपयोग अनेकों उत्पादों जैसे टूथपेस्ट, दंत क्रीम, कफ सिरप, कन्फेक्शनरी, पान मसाला, मसूड़ों और दर्द निवारण की औषधि बनाने में भी किया जाता है। साथ ही साथ कॉस्मेटिक्स, लिप बाम्स, क्रीम्स, शैम्पू, मसल पेन रिलीफ और कफिंग एंड ब्रीथिंग प्रॉब्लम में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। मेंथॉल क्रिस्टल बनाने के लिए आपको मेंथी ऑयल की आवश्यकता होगी और साथ ही पैकेजिंग के लिए आपको कंटेनर्स की भी जरूरत पड़ेगी। मेंथॉल क्रिस्टल मेकिंग के लिए जिन मशीनरी और इक्विपमेंट्स की आपको आवश्यकता होगी वो इस प्रकार है। चिलिंग प्लांट कैप 492 लीटर, टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस, हेवी ड्यूटी सेंट्रीफ्यूज यूनिट, स्टेनलेस स्टील रिएक्शन वेसल 6 विद स्टीरर कैपेसिटी 400 किलोग्राम, ड्रायर कैपेसिटी 100 किलोग्राम, 12 ट्रेस विद थर्मोस्टेट टेम्परेचर कंट्रोल, वैक्यूम फिल्टर, स्टेनलेस स्टील ट्रेस, वेट मशीन्स, पैकेजिंग के लिए कंटेनर्स और सैंपल टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट्स इत्यादि की आवश्यकता होगी। प्रोसेस। सबसे पहले रॉ मटेरियल यानी मेंथा ऑयल को रिसीव करने के बाद इसे क्वारंटाइन एरिया में शिफ्ट कर लिया जाता है, जहां ड्रम्स का वेट करने के बाद उसे सैंपलिंग रूम में भेज दिया जाता है। सैंपलिंग के बाद एनालिसिस कंप्लीट होने तक इस रॉ मटेरियल को अंडर टेस्ट एरिया में रखा जाता है। रॉ मटेरियल के सैंपल को सैंपल टेस्टिंग रूम में अलग अलग पैरामीटर्स में टेस्ट किया जाता है। एनालिसिस कंप्लीट होने के बाद रॉ मटेरियल को अप्रूव्ड एरिया में शिफ्ट कर लिया जाता है, जिसके बाद अप्रूव्ड मेंथा ऑयल को स्पार्कल फिल्टर प्रेस से फिल्टर करने के बाद रॉ मटेरियल को पाइप के थ्रू कंटेनर में फिल करके चिलिंग चैम्बर में भेज दिया जाता है, जहां टेम्परेचर लगभग -35 डिग्री तक होता है। इस चिलिंग चैम्बर में रॉ मटेरियल यानी मेंथे ऑयल को 72 घंटे के लिए फ्रीज किया जाता है, जिसके बाद इसे क्रिस्टलाइजेशन चैम्बर में 22 से 23 दिन के लिए -5 डिग्री सेल्सियस में रखा जाता है। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के बाद इस मटेरियल को फ्लेक कटिंग मशीन में ट्रांसफर कर दिया जाता है। कटिंग के बाद मटेरियल को सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए इसे सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में लाया जाता है, जिसके बाद लिक्विड पार्ट यानी डीमेंथलाइज्ड मिंट ऑयल को डिस्टिलेशन टैंक में भेज दिया जाता है और फ्लेक्स यानी सॉलिड पार्ट को विब्रो शिफ्टर मशीन की मदद से स्मॉल और बोल्ड पार्टिकल्स को सेपरेट कर लिया जाता है और पैकेजिंग करके मार्केट के लिए भेज दिया जाता है। प्रोसेस रीकैप। सबसे पहले रॉ मटेरियल यानी मेंथा ऑयल को अंडर टेस्ट एरिया में रखा जाता है, जहां इसे अलग अलग पैरामीटर्स में टेस्ट किया जाता है, जिसके बाद अप्रूव्ड मेंथा ऑयल को स्पार्कल फिल्टर प्रेस में फिल्टर करने के बाद कंटेनर में फिल करके चिलिंग चैम्बर में भेज दिया जाता है। इस चिलिंग चैम्बर में मेंथे ऑयल को फ्रीज किया जाता है, फिर इसे क्रिस्टलाइजेशन चैम्बर में 22 से 23 दिन के लिए रखा जाता है। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के बाद इस मटेरियल को फ्लेक कटिंग मशीन में ट्रांसफर कर दिया जाता है। कटिंग के बाद इसे सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में लाया जाता है। लिक्विड पार्ट यानी डीमेंथलाइज्ड मिंट ऑयल को डिस्टिलेशन टैंक में भेज दिया जाता है और फ्लेक्स यानी सॉलिड पार्ट को विब्रो शिफ्टर मशीन की मदद से स्मॉल और बोल्ड पार्टिकल्स को सेपरेट कर लिया जाता है और पैकेजिंग करके मार्केट के लिए भेज दिया जाता है। ये व्यवसाय आप 7 से 8 लोगों की मदद से कर सकते हैं, जिसमें स्किल्ड
और अनस्किल्ड वर्कर शामिल है। मेंथॉल क्रिस्टल मेकिंग के लिए आपको प्लांट और मशीनरी खरीदने के लिए लगभग 30 से 33 लाख का निवेश करना होगा। मेंथॉल क्रिस्टल बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल के तौर पर मेंथी ऑयल की आवश्यकता होगी, जिससे आप मार्केट से लगभग 1000 से 1200 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से परचेज कर सकते हैं। वहीं आपकी प्रॉफिटेबिलिटी आपके प्लांट की कैपेसिटी और मार्केटिंग पर डिपेंड करती है। आप पर केजी रॉ मटेरियल में लगभग 15 से 20% तक का मार्जिन अर्न कर सकते हैं। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के अधीन खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में कार्यरत अनुसंधान एवं शिक्षा का केंद्र है। शिक्षण एवं शोध के अतिरिक्त संस्थान छोटे एवं मझोले उद्योगों की मदद के लिए भी कार्यरत है। भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा हाल ही में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना प्रारंभ की गई है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का ये प्रयास रहता है कि वह उद्यमियों के लिए इस क्षेत्र में सहायता प्रदान करने हेतु विभिन्न योजनाओं से उद्यमियों को अवगत कराए। पीएमएफएमई योजना के तहत अपने उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए योजना बना रही माइक्रो खाद्य प्रसंस्करण उद्यम परियोजना लागत के 35% पर क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। प्रति उद्यम अधिकतम सब्सिडी 10 लाख रुपए तक हो सकती है। लाभार्थी का योगदान न्यूनतम 10% होना चाहिए और शेष राशि बैंक में ऋण होनी चाहिए। यह योजना 35% क्रेडिट लिंक्ड अनुदान के साथ संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के साथ पूंजी निवेश के लिए FPO SHG निर्माता सहकारी समितियों को सहायता प्रदान करेगी।